गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। क्या अनिल देशमुख अंडरग्राउंड हो गए हैं? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। कल मल्टीपल लोकेशंस पर नागपुर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा सर्च के दौरान कोई भी फैमिली का मेंबर नहीं मिला और ये कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं, ये कहना है सोर्सेज का, जिसके चलते ये खबर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप देखना कि किस तरह से अवॉइड करते हुए दिखे हैं समन्स को। 3 समन्स ऑलरेडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दे चुकी है, नहीं पहुंचे, वाइफ भी नहीं पहुंची और बेटे भी नहीं पहुंचे, और उसी के चलते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 4.20 करोड़ के एसेट्स को जब्त किया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू करंट प्राइस उसका है 350 करोड़, ये माना जा रहा है। लेकिन कल जिस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छानबीन की है, लग रहा है कि मामला सीरियस है, लेकिन अंडरग्राउंड होने से क्या ये मामला सॉर्ट आउट हो पाएगा, ये देखना और समझना होगा। लेकिन इस तरह का एक बड़ा वाक्या कल हुआ, जहां पर 2 प्रीमाइसेस पर, जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जा रही है अनिल देशमुख की, छानबीन की गई, फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं मिला और आज ये सुबह खबर निकल कर आ रही है कि अंडरग्राउंड हो गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ECIR CBI की FIR के तहत दर्ज की थी और उसी के चलते कार्रवाई की गई, लेकिन अब इस तरह से एब्सकॉन्ड होना ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा था बार बार, क्योंकि पिटीशन फाइल की गई थी, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में क्या खबर निकल कर आएगी। जो भी डेवलपमेंट होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। स्टे ट्यून्ड।